राजस्थान एससी एसटी ओबीसी महासभा समिति का अध्यक्ष होने के नाते आज भगवान बुद्ध की पूर्णिमा पर, बुद्ध पूर्णिमा पर सभी भरतपुरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को, और जहां भी बुद्ध महाराज भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उन सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और सभी से ये अनुरोध करता हूं, विनती और निवेदन करता हूं कि हमारे सभी जो महानुभाव हैं वो भगवान बुद्ध के बताए हुए सिद्धांतों पर, बताए हुए आदर्शों पर चलें, उनके आदर्शों के अनुसार हम अपने जीवन को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को अग्रणी ले जा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमको एक ऐसा अच्छा मार्ग दिया था कि हम सब जातवाद को भूल करके सब एक हों और सब आगे की ओर उन्नति करें। ऐसी में भगवान बुद्ध पूर्णिमा पर आज सभी अपनों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपका पद नाम? मैं रामगोपाल चौधरी, पूर्व प्रधानाचार्य भरतपुर और राजस्थान एससी एसटी ओबीसी महासभा समिति का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं भगवान बुद्ध के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी इस पावन पर्व को भारत और पूरे विश्वभर में जहां बुद्ध के अनुयायी हैं बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध का एक जो अंतिम समय जब उनका था तो उनका जो शिष्य आनंद 25 वर्ष से उनके साथ थे। भगवान बुद्ध के अंतिम समय जब आनंद ने देखा कि भगवान बुद्ध बहुत बीमार हैं और अंतिम समय उनका नज़दीक है तो उन्होंने पूछा, और वो बहुत दुखी हो रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं, मेरा शिष्य आनंद जो मेरे साथ 25 वर्ष रहा है, अगर उसको इतना दुख है तो फिर इन्होंने मेरे साथ रह करके क्या सीखा। वो उस पर मंथन कर रहे थे, इससे बाहर नहीं निकले थे। उससे पहले ही आनंद ने उनसे पूछ लिया कि हे बुद्ध, आप मुझे कोई अंतिम सत्य बताएं। तो भगवान बुद्ध बड़े दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं क्या सत्य बताने वाला हूँ, और जो मैंने अब तक 25 साल में आनंद को बताया है या इस दुनिया में लोगों को बताया है, क्या वो असत्य बताया है। तो उन्होंने फिर आनंद को समझाया, आनंद मैं कोई सत्य बताने वाला नहीं हूँ, सत्य तो स्वयं व्यक्ति को अपने आप खोजना है। तो वो मेरे जो पहले वचन थे वो ही लास्ट वचन है, अप्य दीपो भव, यानी स्वयं के दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। मैं कोई ऐसा कोई अलग बताने वाला नहीं हूँ, यानी अपने आप को आपको जागृत करना है, और अपने आप को जागृत करने पर ही ये जो समाज है ये जागृत हो जाएगा। आप अपने आप को पहचानो, अपना दीपक स्वयं बनो, ये भगवान का पूर्व में संदेश था और अंतिम संदेश यही था। और पुनः मैं एक बार सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ, और साथ साथ जो ये कोरोना महामारी देश में आज महाविकराल रूप लिए हुए है, इसमें सभी देशवासियों को मेरा अनुरोध है कि जो सरकार की गाइडलाइन हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं। इसी संदेश के साथ आप सभी को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आपका पदनाम? मैं विजय सिंह, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर।